शेर कश्मीर का क्या रिश्ता, हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद जिंदाबाद। अक्टूबर 1947, एवरी मैन एवरी वुमन एवरी चाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर बिकेम अ सोल्जर। इट वॉज ए स्पॉन्टेनियस, वो तो लोगों को ऐसा उस वक्त था जुनून के मैं बता नहीं सकती हूँ। They had no choice. They had to fight, for they had been attacked. जोश तो यही था ना भाई कि हमने जिंदा रहना है। We have to live. That was the जोश। 1947 दे विच जब पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया है, या अचानक एक लड़ाई हो गई, उस लड़ाई में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे थे, सारे एक होके लड़े। This unity, which transcends religious differences, was the vital detail which had been overlooked by the raiders and the powers which sent them. In fact, they seemed unaware of the fact that for centuries in Kashmir, Muslim children had been taught the Quran by Hindu Pandit teachers. How then could they ever possibly accept religion as a basis for redefining boundaries? Tarikhi waqia hai, Pakistan ban gaya. हमें यह नहीं दुख है कि उन्होंने हमारी तहरीक की मुखालफत की, हम सोच समझ कर इलाका फैसला करेंगे। उससे पहले ये हुआ कि इन्होंने भेजा सादिक साहब को कि आप जाइए, वो गए वहाँ तो वो कहते हैं हम कोई नहीं, हमें तो कश्मीर है, हमारे तुम्हारे हाथ में है, जेब में है। As a final desperate measure to force a decision, Kabayali raiders were sent. The Pakistan, instead of standing, it started, they came raiders and which they called so-called raiders, and afterwards they said that the army battalions have run away. The raiders came, and with them came loot, plunder and arson. Rape, death and destruction were their visiting cards. Kyunki unna da nara si Sikh da sar, Musliman da kar te Hindu da zar. तो उन्होंने यहाँ गलत तरीका अपनाया और माँ बहन का कोई तमीज़ नहीं रखा उन्होंने, तो ये वजह थी कि यहाँ के लोगों को फिर नफरत हो गई। लाशें देखी हमने, लोगों को मरे हुए देखा जो उससे पहले कभी नहीं देखा था, वो भी एक बड़ी दहशत थी। Such brutality, however, only made the people's resolve stronger to protect their identity and to live with dignity. फिर उस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक वॉलंटियर फौज बढ़ाई जिन्होंने जम्मू कश्मीर मलेशिया कहते सन। इट वॉज द हार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। तो उन्होंने फिर आके वहाँ, जिसको हम लाल चौक अपने देखा होगा, और उन्होंने नौजवानों को शेख अब्दुल्ला ने पुकारा। आई वॉज कॉल्ड ऑन द स्टेज एंड टोल्ड के भाई गेट यूर वॉलेंटियर्स एक्सेट्रा। एवरीबडी न्यू, देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ पेमेंट, they were volunteers. At that time we had no weapons, then we borrowed some. We had that guerrilla sort of a thing, because the people were with us, they used to inform which he is there, so we used to go and catch them. The women were more than equal partners in this struggle. Auratein nikalti thi sari kashmiri gareeb auratein, khane ko roti magar wo aati thi ladkiyan, और बच्चे बंदूक लकड़ी के बना के बंदूकें चलते, कदम कदम बढ़ेंगे हम महाज पे लड़ेंगे हम, और दूसरे भी इसी तरह से करके जाते थे। नौजवान गए महाज पे लड़ने के लिए, यही कहते जिन्होंने कभी बंदूक उठाई नहीं थी, कश्मीरियों को बंदूक देते ही नहीं थे बस, और वो बच्चे जाके आए भी नहीं कभी वापस, मगर जाने दे दी उन्होंने, इतने मरे लोग उस वक्त नौजवान जाके। हेल्प फाइनली केम व्हेन एक्सेशन वाज साइंड एंड द इंडियन आर्मी अराइव्ड टू डिफेंड व्हाट वाज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सॉवरेन इंडिया। जब एक्सेशन हुआ तो फौज ने यहाँ लैंड किया, मैं यहाँ लाल चौक में था जब हिंदुस्तान की पहली आर्मर्ड कार आ गई, लोगों ने फूल बरसाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या द आर्मी कुड सक्सीड अगेंस्ट ऑल ऑड्स बिकॉज ऑफ द अनकंडीशनल एंड ओवरवेलमिंग सपोर्ट इट रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल एवरीवेयर, especially from the people's militia. Our guides went with them everywhere, otherwise how could the Indian army succeed there? No wonder then that Jammu and Kashmir Light Infantry Regiment of the Indian Army emerged from this force of citizen volunteers, proud inheritors of a legacy of not just valor but above all
of India's secular ideals.